हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी एडिशन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायजोस एमसीएल टी20 की, जो कि मैच होने वाले हैं ऐसे छन्ना मेडियन क्रिकेट क्लब वर्सेस बांगक्वान साउथ क्रिकेट क्लब के बीच में। तो चलिए दोनों टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जा सकते हैं, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में लेके जा सकते हैं, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते हैं एक बार और लास्ट में हमारी फैंटासी टीम देख लेते हैं एक बार, कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से अवॉइड करके जा सकते हैं। सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करने के, तो चले फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट कवर की जाएंगी। इसके साथ साथ यहां से ECS T10 कवर की जाएंगी, इसके साथ साथ यहां से शारजा T10 कवर की जाएंगी, यहां से जिम्बाब्वे वाली T10 कवर की जाएंगी, यानी कि जिम्बाब्वे वुमेंस, यहाँ से नामीबिया वुमेंस और युगांडा वुमेंस की जो T20 मैच चल रही है वो भी मैच कवर की जाएंगी। तो सारे मैचेस की वीडियो आपको इसी YouTube चैनल पर मिल जाएंगे, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ से टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम आपको वहीं पर मिलने वाली है। टेलीग्राम से आपको IPL वगैरह की भी पूरी अपडेट और टीम मिल जाएगी, तो टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंने लिंक अटैच कर दिया है, इनकेस अगर लिंक वर्क ना करे टेलीग्राम में जाकर सर्च करिएगा फैंटासी डिसन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @WC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा, सिंपल उसे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम आपको वहीं पर मिलने वाली है। बात करें इस मैच की, तो ये मैच दोपहर में 1 बजे सुहागा क्रिकेट ग्राउंड मिजोरम में खेला जाएगा। ये जो ग्राउंड है यहाँ से हाइट पर, यानी कि पहाड़ी विस्तार में पूरा ग्राउंड है, तो यहाँ से हवाएं वगैरह तेज चल रही थी, उसका मतलब है कि यहाँ से बॉलिंग के लिए काफ़ी अच्छी पिच है और यहाँ से रन्स बहुत ही कम बनते हुए नजर आ सकते हैं। रेयर केस में यहाँ आपको 130+ स्कोर बनता हुआ नजर आ सकता है। देखिए क्रिकेट है, कुछ भी उलट पुलट आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन 130 रन के आसपास स्कोर बनता हुआ नजर आएगा। चेजिंग रिकॉर्ड की बात करें तो 13 मैच के अंदर अभी तक पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 9 मैचेस जीती है, चेजिंग करने वाली टीम ने अभी तक 4 मैच जीती है। लेकिन आपको बता दूं कि आंकड़े पिछले 3 मैच के अंदर चेजिंग करने वाली टीम ने जीती है, तो पिछले कुछ 3 मैच के अंदर थोड़ा सा उलट पुलट हुआ है। बाकी पहले स्टार्टिंग में यहाँ से पहले बैटिंग करने वाली टीम को थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज था। बात करते ऐसे इस टूर्नामेंट के सबसे मजबूत टीम यहाँ से CHC की, तो 4 मैच खेली, 4 मैच यहाँ से जीत के आ रही है और यहाँ से लालहा मंगहा एम और क्या नाम है उसका, लालहा मंगहा या एम, जो भी यार कन्फ्यूजन बहुत हो रहा है क्योंकि ऐसे नाम पहली बार हमने सुने हुए इसके लिए। बाकी लाल रुवेज ज्वेला, ये दोनों ही हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले, दोनों को लेके जाएंगे। ये पिछली तीनों ही मैच के अंदर परफॉर्मेंस देख सकते हो आप, 30+ का स्कोर है। ये बंदा बैटिंग के साथ साथ यहाँ से ओवर्स भी करवा लेता है, पहली 2 मैच के अंदर 50+ का स्कोर किया, पिछले 2 मैच के अंदर इतना कुछ खास किया नहीं है। लेकिन इस बंदे के बारे में बता दो, ये बंदे को आप अपने कुछ रिस्की करना चाहो, ग्रैंड लीग वगैरह खेलना चाहो, तो इस बंदे को कैप्टन या वाइस कैप्टनशिप जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये बंदा बैटिंग के साथ साथ यहां से कभी भी 50+ का स्कोर कर सकता है, क्योंकि रिसेंटली फॉर्म अच्छा है और यहां से ओवर्स भी करवा सकता है। बात करते हैं यहाँ से साइडिंगली साइलो, लास्ट मैच के अंदर 29 रन किए थे, वैसे ओवरऑल रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, तो एज अ प्लेयर आप लोग इनको ट्राई कर सकते हो। ये दिखेंगे आपको, आई थिंक शायद आपको दिखेंगे यहाँ से विकेट कीपिंग सेक्शन से, तो एक अच्छी पिक हो सकती है आपके लिए साइडिंग लाइन, क्योंकि लास्ट मैच के अंदर बैटिंग से थोड़े से ऊपर आ गए थे, इससे पहले थोड़े से नीचे बैटिंग कर रहे थे। बात करते हैं ऐसे लाल रेम रुआटा के की, तो लास्ट मैच के अंदर उनकी बैटिंग नहीं आई, इससे पहले 0 और 5 रन किए, लेकिन पहली मैच के अंदर 57 रन का स्कोर किया था, तो इनके पास क्षमता है बड़ा स्कोर करने की, करीबन 31 की एवरेज है। ज़्यादातर जनता शायद इनको लेके नहीं जाएगी आज, तो आप कुछ डिफरेंस करना चाहो यहाँ से 4 मेंबर 5 मेंबर वाली लीग के अंदर, एक आधी टीम के अंदर इनको जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि बैटिंग के साथ साथ कभी वही अच्छी खासी बॉलिंग भी करवा सकता है। बात करते हैं ऐसे लाल छुआनवा भी, तो ये भी एक मैच के अंदर 29 रन कर चुके हैं, बाकी ओवरऑल रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं यहाँ से, ये भी बैटिंग से कभी भी ऊपर भी आ सकते हैं। तो ये दोनों प्लेयर्स जो है आपके लिए डिफरेंशियल पिक है, इनको आपको ग्रांडिक वगैरह में या फिर ऐसे रिस्की वगैरह खेलते हैं तो इन दोनों प्लेयर के ऊपर जरूर नजर रखिएगा। बाकी बात करते हैं ऐसे एल लेंथली की, तो वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले, देश होश वगैरह में गेंदबाजी कर सकता है, या से पिछली 3 ही मैच के अंदर विकेट निकालता आ रहा है, तो एज अ प्लेयर हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी लाल हरोइत लुंगा जो है वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक मैच के अंदर विकेट निकालते हुए आ रहे हैं, तो इनको हम मिस नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं ऐसे मलसाम लुंगा एफ, तो पिछली 2 मैच के अंदर इन्होंने भी विकेट निकाले हुए, बॉलर्स सारे इंपॉर्टेंट हैं, किसको आप छोड़ोगे, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होने वाला है, क्योंकि देखो ये पिछली 3 मैच के अंदर विकेट निकाला है इन्होंने, ये हर एक मैच के अंदर विकेट निकाल रहे हैं, ये भी पिछली 2 मैच के अंदर विकेट निकालते आ रहे हैं, ये बंदे ने हर एक मैच के अंदर विकेट निकाले, लाल रिन संगा ने हर एक मैच के अंदर विकेट निकाले, हालांकि एक मैच के अंदर विकेट नहीं मिला है, और गिलबर्ट लिबियन, इन्होंने भी हर एक मैच के अंदर विकेट निकाले हुए, तो बॉलर्स सारे इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा फोकस यहाँ से ज़्यादा रखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा आपको बॉलर्स के ऊपर,
तो हम लोग लास्ट में चर्चा करते हैं कि कौन सा बॉलर हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो यहाँ से जोथन संगा वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ के नहीं जा सकते। बात करते हैं यहाँ से लालरुन लुआंगा, ये बॉलर्स हो गए, ये दोनों बॉलर्स को हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बाकी इन तीनों में से किसी एक या दो बॉलर्स को जरूर लेंगे हम लोग। स्टार्टिंग ओवर्स की बात करते हो जैसे एल लेंथली और या से एफ मालसा स्टार्टिंग में दिखेंगे, और डेथ ओवर्स की बात करते हो जैसे लिबियन और या से लालरीन संघा आपको डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। बाकी बैंस से अगर कोई भी खेलता है तो इनके स्टेट्स आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए जोरेम संघा ने एक मैच के लिए विकेट नहीं मिली, लेकिन 33 मैच के अंदर 63 विकेट निकाले हुए हैं, तो कभी भी बंदा दो तीन विकेट एक साथ में लेता हुआ नजर आ सकता है। वार्टे ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, एक बार वापस कमबैक कर सकते हैं टीम के अंदर। बाकी और कोई भी प्लेयर खेलता है तो इनके स्टेट्स आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा। बात करते हैं ऐसे टीम BSCC के, तो इस पूरी टूर्नामेंट की सबसे कमजोर टीम है, पांच मैच के लिए पांचवें मैच यहाँ से हार के आ रही है। बहुत सारे यहाँ से उन्होंने चेंजेस किए हुए, ये पिछले मैच के अंदर भी यहाँ से चार या पांच चेंजेस किए, तो बहुत सारे चेंजेस अभी तक हर एक मैच के अंदर करती हुई आ रही है, लेकिन अभी तक एक भी मैच में सफलता नहीं मिली। मजे की बात क्या है ना कि CHC के सामने ही पहली मैच भी वो हार के आ रही है, यानी कि एक मैच तो CHC के सामने हार के आ रही है, दूसरी मैच इनके सामने होने वाली है। यहाँ से बात करते हैं ऐसे लाल लुंड थरा नगुत्रे और यहाँ से जोमुआन संघा, ये दोनों ओपनिंग कर रहे हैं, और यहाँ से इम्पोर्टेंस की बात करूँ तो थोड़े बहुत आप रिस्क इनके ऊपर ले सकते हो, जोमुआन संघा के ऊपर। राइट हैंडेड बैटिंग के साथ साथ यहाँ से राइट आर्म मीडियम पास गेंदबाजी करवा लेता है, तो आपके लिए एक अच्छी पिक बन सकता है। बाकी नगुत्रे थोड़े से ओके पिक रहेंगे, लेकिन इन्होंने भी लास्ट मैच के अंदर 21 रन जरूर किए, तो इनको भी आप डिफरेंशियल पिक पर जरूर लेके जा सकते हो। बात करते हैं ऐसे आर लालथा कीमा की, तो ओके पिक रहेंगे, ग्रांडिक वगैरह में ट्राई करना है आपको। लाल मछुआना ओवरऑल रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे, लास्ट मैच के अंदर 23 रन का स्कोर किया था, वैसे ओवरऑल रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है, तो ये थोड़े से डिफरेंशियल वे पे इनको ट्राई कर सकते हो। बात करते हैं ऐसे आल लाल लिम पुइया, ये बैटिंग से थोड़ी बहुत ऊपर आते हैं और साथ में तीन ओवर्स पूरी करवाते हैं, तो इस टीम की बात करो तो इनको आप ट्राई कर सकते हो। बात करें देखो इस टीम से हमें BSCC की बात करो तो हमें चार प्लेयर्स ही लेने हैं, क्योंकि आई थिंक शायद CHC एक बार फिर से इनके ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आ सकती है, तो हमें चार प्लेयर्स ही रहना है। जहाँ से लाल बिया थलुंगा जो है ओके पिक रहेंगे, दो और 12 रन किए, बाकी कभी ओवर्स भी करवाएंगे, एक आधी विकेट भी चटका सकते हैं। अभी थोड़ा बहुत ही ऐसे दिक्कतें इनके तरफ से आ रही है। अरविंद शाही जो कि थोड़े से ऊपर से खेल रहे थे, अच्छा स्कोर कर रहे थे 25-26-17, और लास्ट मैच के अंदर भी काफ़ी नीचे आ गए थे यहाँ से 7वें नंबर पर, और हर एक मैच के अंदर बंदा ओवर्स भी डाल रहा है, विकेट सिर्फ एक ही मैच के अंदर मिला है, लेकिन ओवर्स हर एक मैच के अंदर कर रहा है, तो एज अ प्लेयर अरविंद शाही एक अच्छी पिक बन सकते हैं, इनको लेके जा सकते हो। खावलिंग वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, हर एक मैच के अंदर विकेट निकालते हुए आ रहे हैं। यहाँ से जोरम संघा, तो इस टीम की बात करूँ तो मुझे सबसे भरोसेमंद अगर कोई प्लेयर लगा तो यहाँ से जोरम संघा है, जो कि हर एक मैच के अंदर कंसिस्टेंसी से अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। पहले दोनों मैच के अंदर दो दो विकेट निकाले, लेकिन लास्ट मैच के अंदर सिर्फ एक ही विकेट मिला, लेकिन हर एक मैच के अंदर विकेट निकाल रहा है, तो इनको ट्राई कर सकते हो। मोजेस की बात करूँ तो 49 मैच के अंदर 103 विकेट है, कभी भी बंदा एक दो विकेट एक साथ में लेता हुआ नजर आ सकता है, तो इनके ऊपर भी आप रिस्क ले सकते हो, यहाँ से मोजेस को ट्राई कर सकते हो। एल लेंथली थोड़े से ओके टिपिक रहेंगे, दो तीन ओवर्स ही करवाते हैं, एक मैच के अंदर पूरी ओवर्स करवाए, बाकी दो तीन ओवर्स ही करवा सकते, अभी तक तीन विकेट निकाल चुके हैं, तो अगर कोई अच्छी चॉइस ना मिले तो ऐसे एल लेंथली को आप ट्राई कर सकते हो। स्टार्टिंग ओवर्स की बात करूँ तो यहाँ से जोरम संघा और यहाँ से एल खावलिंग दिखेंगे, और डेथ ओवर्स की बात करूँ तो यहाँ से अरविंद शाही और यहाँ से आर लाल आपको डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, तो इनके ऊपर आपको जरूर नजर रखनी है। ऐसे अरविंद शाही डेथ ओवर्स वगैरह में गेंदबाजी करता है, और इस पूरे टीम की बात करूँ तो सबसे अच्छा अगर कोई बैट्समैन है इस पूरी टीम के अंदर तो यहाँ से अरविंद शाही है। बैटिंग की बात करो, बैटिंग सबसे अच्छी अभी तक अरविंद शाही की ही रही है, तो अरविंद शाही वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। बैंक से अगर कोई भी खेलता है तो इनके स्टेट सपोर्ट टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा। आइए चलिए देख लेते हैं हमारी फैंटासी टीम कौन सी रहने वाली है, कौन से प्लेयर को लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से अवॉइड करके जा सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करूँ तो मैं यहाँ से साइलो के साथ जाऊँगा। साइलो की जगह पर आप नगुत्रे को ले सकते हो, क्योंकि नगुत्रे को अगर आप ट्राई कर सकते हो, इसकी जगह पर आप यहाँ से एक बैट्समैन ज़्यादा ले सकते हो, या फिर यहाँ से CHC का एक बॉलर यहाँ से ज़्यादा ले सकते हो। बात करते हैं ऐसे बैटिंग सेक्शन की, अभी के लिए तो इनके साथ ही जाएंगे। बैटिंग सेक्शन की बात करते हो ऐसे लालरीन संघा, यहाँ से जोमुआन संघा और यहाँ से एम लाल मछुआना हमारी टीम के अंदर रहने वाले हैं। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करते हो एम लाल जो बहुत लंबा नाम है वही लंबा नाम है जैसे चलेगा नहीं भाई, एम लाल मंगाहिया वो रहेंगे, यहाँ से अरविंद शाही और यहाँ से जोरम संघा हमारी टीम के अंदर रहने वाले हैं। बाकी आप अगर चाहे
इनको जगह दे सकते हो अपनी टीम के अंदर। मरसाब लूंगा जो है वो अच्छी पिक है, इनको ट्राई कर सकते हो। बाकी बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो बी जोथन संगा है, यहाँ से लाल रुएट लूंगा है और यहाँ से मैंने पिक किया हुआ है जी लिबियन को। तो अभी के लिए कुछ इस तरह से टीम बन सकती है या कैप्टन हमारे रहेंगे यहाँ से जोनम संगा यहाँ पर है, हमें कैप्टन करना है यहाँ से बॉलिंग सेक्शन से जोथन संगा और वाइस कैप्टन से यहाँ से एम लाल हरुई जेला हमारी टीम के अंदर रहने वाले। तो टीम कुछ इस तरह से रह सकती है, लेकिन याद रही ये डीएमओ टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगी। फाइनल लाइनअप के बाद तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक अटैच कर दिया है। इनके अगर लिंक वर्क ना करे टेलीग्राम में जाकर सर्च करिएगा फैंटासी डिसन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा, सिंपल उसे ज्वाइन कर लेना। यहाँ अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाले और अच्छे मैचेस की वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले। मिलते हम लोग अगले वीडियो में एक नए सरप्राइज वीडियो के साथ, तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छा एनालिसिस करते रहो, अच्छी टीम बनाने अच्छे नहीं करते रहो। बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।